दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता, प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। भामाशाह शक्ति मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल महामहिम गंगा प्रसाद चौरसिया रविवार को दरभंगा के तारालाही चौक पर भामाशाह के प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। अनावरण करने के उपरांत ओझोल पंचायत में एक समारोह को संबोधित किया। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री रामदेव मंडल व प्रेम कुमार सहित एवं शक्ति मंच के अध्यक्ष महेंद्र शाह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से पूर्व सैनिक व उनके वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। वाला कोई नहीं, वह भामाशाह और महाराणा प्रताप की वो चोरी थी।
जो आज उसी हम आजादी पूर्ण अवसर पर हम महामहिम से हम लोगों ने अनुरोध किया था और ये मिथिला की पावन की धरती पर दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के ग्राम उझौल तारालाही में अपने पद स्थापित कर अपनी दर्शन कर हम सभी लोगों का दिल जीत लिया है और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम भी दरभंगा जिला में रहा। मैं सारे प्रशासनिक पदाधिकारी उनको भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि राज्यपाल महोदय जी के कार्यक्रम के लेकर आज 3-4 दिन से लगातार अपने काम में लगे हुए हैं और उनको भी हमारे समाज की तरफ से सहयोग मिला और यह बहुत बड़ा यह प्रतीक भामाशाह और महाराणा प्रताप की जोड़ी एक भामाशाह का प्रतिमा का अनावरण तो आज माननीय राज्यपाल जी कर दिए और एक महाराणा प्रताप का भी प्रतिमा उसी जगह पर लगे। हम लोग भी इन लोगों से आग्रह करते हैं। भामाशाह महाराणा प्रताप के अनुयायी थे। महाराणा प्रताप जब लड़ते लड़ते अंत में सभी चीज न्यौछावर हो गया उनका तो भामाशाह ने अपनी 25,000 फौज और अपनी पूरी आर्थिक संपत्ति सभी से महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिला के और दुश्मनों से लड़ाई लड़े। इसके लिए मैं भामाशाह का धन्यवाद एवं उनको अमर रहने की कामना करता हूँ। महाराणा प्रताप अगर भामाशाह नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते और महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज भामाशाह नहीं होते। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पूरक थे। आज मूर्ति का अनावरण तारालाही चौक पर जिस तरह भामाशाह का किया गया है उसी तरह एक सभा और होगा जिसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति का भी अनावरण इसी अगल बगल में होना चाहिए जिसे भामाशाह के बगल में ही महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हो। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से यह आग्रह करूंगा फिर आने वाले दिनों में एक बार और आप शिरकत करें मिथिला की धरती पर। वैसे आप बिहार के बेटा हैं, बिहार के धरती के लाल हैं। बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं। जानकारी का थोड़ा अभाव है, धीरे धीरे आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कल ही ऐसा काम किया है जो अग्रिम सब्सिडी इन्होंने दिए हैं किसान को, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की तरफ से। और रामनारायण मंडल जी बहुत जादू है, कोई भी कार्यकर्ता जाते हैं तो लग नहीं रहा है जो ये हमारे अपने नहीं है और कार्यकर्ता के लिए सदा ही तैयार रहते हैं। और हमने देखे जो वोट लेते हुए रामनारायण जी हमारे बेनीपुर में आकर के नक्शा का अनावरण किए और वही हम लोगों को नक्शा वहाँ पर मिल रहा है। और हमारे क्षत्रिय महासभा के मौके पर हम आयोग को बधाई देना चाहते हैं। काफ़ी प्रसन्नता हो रही है मिथिला पावन धरती पर यह कार्य मेघालय के महामहिम राज्यपाल महोदय जी के चर कमलों द्वारा हटाया। विशाल दानवीर और भामाशाह जी त्यागी पुरुष आत्मसम्मान और त्याग के ही भावना उठते स्वदेश धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त रूप में शिखर पर स्थापित कर देती है। धन अर्पित करने वाले किसी भी दानदाता को दान भी भामाशाह कहकर उसका स्मरण बंधन किया जाता है। उनके दान शिल्पा के चलते उस दौर में आसपास बड़े उत्साह प्रेरणा के संग सुने सुनाए जाते थे। वह धन देश की माटी है, वह धन देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल कला उस दान वीर की यश गाथा को भेज सका क्या काल भलाया। भामाशाह का जीवन काल 52 वर्ष का रहा। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री रामनारायण मंडल जी, विधान परिषद के सदस्य
श्री सुनील कुमार सिंह जी और यहाँ पर आप देख रहे थे अभी जो मंच के संचालन कर रही थी श्रीमती रीता सिंह जी, कई यहाँ पर उपस्थित धर्मशीला देवी जी, श्री मिश्री अल यादव जी, श्री महेंद्र साहब फौजी जी, श्री राणा सिंह जी जो पटना में साथ आए हैं और साथ ही साथ एक कार्यक्रम 17 तारीख को पटना में करने जा रहे हैं, श्री जगदीश शाह जी, श्री संगीता शाह जी, श्री नरेश शाह जी, श्री मुकेश नंदन जी जो पटना से आए, हमेशा काफ़ी लगे रहते हैं नौजवानों को जगाने में, श्री हरि साहनी जी, राजू सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभावों देवियों काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और हमारा भी समय हो गया क्योंकि हमें यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाना है और वहाँ से पकड़ते हुए कलकत्ता रुकते हुए मेघालय कल जरूर कल सवेरे पहुँचना है। आज भामाशाह की प्रतिमा का अनावरण किया गया और काफ़ी चर्चा हुई। महाराणा प्रताप और भामाशाह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और भामाशाह ने जिस प्रकार अपना योगदान दिया, दान भी तो थे ही साथ साथ सूरवीर थे। जब महाराणा प्रताप थक चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब शायद मैं सफल नहीं होऊंगा, उस समय भामाशाह पहुंच गए, महाराणा हमारी सारी संपत्ति राष्ट्र के लिए है। महाराणा ने कहा, भामाशाह आपका यह एहसान नहीं भूला जाएगा। उस समय भामाशाह ने कहा, महाराणा क्या बोला, यह राष्ट्र सिर्फ आपका ही नहीं है, ये राष्ट्र हमारा भी है और राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान करना यह हमारा धर्म है, सबका धर्म है, राष्ट्र है तो हम हैं। इस भावना के साथ भामाशाह ने महाराणा के साथ अपना धन तर्पण किया ही, साथ ही साथ सूर भी थे उनके साथ साथ मैदान में, युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। ऐसे व्यक्ति की आज हम लोग यहाँ प्रतिमा का अनावरण किए हैं। सचमुच में आज इस बात की आवश्यकता है, जैसा कहा जाता है त्याग तपस्या और बलिदान, तो यह जो राष्ट्र के लिए हमेशा अर्पण करना, इसके लिए हमेशा सबों को तैयार रहना चाहिए और सबक लेना चाहिए। जो भामाशाह ने इन बातों का उल्लेख किया कि महाराणा यदि राष्ट्र है तो हम हैं, जब राष्ट्र मिट जाएगा राष्ट्र नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए जो कुछ है समुदाय राष्ट्र के लिए समर्पित है। वैसे तो वैश्य समाज हमेशा राष्ट्र के लिए हमेशा जब भी आवश्यकता पड़ता है उसे हर प्रकार का सहयोग देने के लिए लगे रहते हैं। तो आज इस अवसर पर आपने जिस हर्षोल्लास के साथ भामाशाह के प्रतिमा का अनावरण करने का यह कार्यक्रम हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको बार बार बधाई देता हूँ। कहेंगे जो आज माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी जो राज्यपाल हैं मिजोरम के, उनको इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बुलाया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरा बीजेपी के रंग में ढाल दिया गया, जिसका विरोध ये अझौल का सारा आदमी किया, सारा नौजवान किया, जो इसका तैयारी किया था उस तैयारी पर ये लोग क्या किए, जितना नौजवान था वो कह रहा था जो हम लोग इसको आखिरी कार्यक्रम को लाए, हम लोग इसको जो है सो बढ़ाने का काम किए, हम लोग सफल बनाने का काम किए, उस मंच पर हमको नहीं बुलाया गया, हम लोगों को सम्मानित नहीं करने दिया गया, पहला बात। दूसरा बात है जो भामाशाह जी का मूर्ति जो अनावरण हुआ है, भामाशाह जी बहुत ही सबल थे, भामाशाह बालकाल से महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र थे। जीवन काल में उनका मूल मंत्र था लोगों का जागृत करना और देशभक्ति जगाना। मेरा नाम सत्यो यादव हुआ। We'll be right back.
गंगा प्रसाद चौरसिया पहुंचे थे। इसी दौरान सुरक्षा में लगे एक महिला पुलिसकर्मी अधिक गर्मी होने की वजह से बेहोश हो गई। हालांकि सहयोगी पुलिसकर्मी के प्राथमिक उपचार के बाद कर्मी होश में आ गई। ने रविवार को बाजार समिति में स्थित नापतोल सभागार में मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जेडीए कृषि पदाधिकारी समीर कुमार, भाजपा के जिला अध्यक्ष हरी सैनी सहित मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे कृषि विभाग के परिवार के सदस्य, सर सलाहकार, कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और सभी प्रदेश पदाधिकारी, प्रेस मीडिया के मित्रों, साथियों, आज खड़ा बोलने के चलेगा और आत्मा ग्रुप के हमारे सभी अन्नदाता किसान भाई और बहनों, इस मौके पर हम कहना चाहते हैं पत्रकार साथियों को, आज इस परिसर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, यह दरभंगा का एक जमाने का कृषि उत्पादन बाजार प्रारंभ है। आज जर्जर स्थिति में है, कब से स्थापना हुई थी? 89 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 90, 10, 17, 18, 28 लगभग 28 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और आज जर्जर अवस्था में है। और हमने तय किया है और बताते हुए खुशी हो रही है, तो समय अब आ गया है जब मैं आया था बाढ़ के समय में और पूरा डूबा हुआ था कृषि उत्पादन बाजार प्रणाली, और हमने घोषणा किया था कि जल्दी इसकी योजना बनाई जाएगी और योजना का प्रथम चरण में हम लोगों ने सड़क, नाली, चार दीवारी, जल सुविधा 6 करोड़ 6 करोड़ 70 लाख के लागत से ये योजना का सुपूर्ति हमने कर दिया है। क्या कार्यक्रम बताइए? आज का कार्यक्रम था यहाँ पर कृषि विभाग में, हमारा
माँ कौर का लेबोरेटरी बना उसको उद्घाटन था और आगामी कार्यक्रम की हम जानकारी दे रहे थे। उसी रोड मैप हमारा मतलब जो आया है 2017 में उसके कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे और 6,69,000 की लागत से दरभंगा कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण का जीर्णोद्धार करने का हम फैसला लिया है। नगर थाना क्षेत्र के नाका नंबर 3 पर स्थित गणेश मंदिर चौक पर एक कुआं पर मकान बनाने को लेकर जैन फार्मा के मालिक कृष्णा तिवार और स्थानीय लोगों के बीच रविवार की सुबह झड़प हो गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं होने की सूचना है। है कि यहाँ पर कुआं था, ये जो पीछे देख रहे हैं निर्माण, नया निर्माण, ये लक्ष्मी जी का यहाँ पर प्रतिमा हर साल बैठती थी। हाँ, ये पहले कहा है कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है, अब क्या कर रहा है देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले यहाँ पर गार्डन लगा चुका है, अधिक्रमण करके ये कुआं को, हाँ कुआं को बंद कर दिया है। कहते हैं कि कुआं था ही नहीं कभी 50 सालों से, ऐसा कहीं हो सकता है? मेरे पास नक्शा है, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर नहाए हैं, सब कुछ किए हैं ये कुआं पर, पद्मुखी चौक, गणेश मंदिर चौक, टावर के नजदीक ये प्रशासन को आपने सूचना किया? प्रशासन को भी मैं सूचना किया हूँ, उसके अंचल अधिकारी को मैं सूचना किया हूँ, थाना अध्यक्ष नगर थाना श्रीमान एसपी महोदय को भी सूचना किया हूँ, श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को भी सूचना दिया हूँ, श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी को भी मैं सूचना दिया हूँ, उसके बाद में पार्षद, ये मेरा मैं सीओ साहब को जाँच में दिया था 6/3/18 को, उसके बाद हर साल मैं थाना से लाइसेंस करवाता हूँ लक्ष्मी पूजा का, गणेश मंदिर चौक पर सचिव महोदय मैं हूँ पवन कुमार शुक्ला। हाँ, आई लोग मुझ पर यहाँ से लक्ष्मी जी हटा दिए हैं, मुझ पर पथराव किए हैं, ये बिजली का भी तार खम्मा तम्मा था, यहाँ पर घर बना रहे थे। पहले थाना को आप फोन किए, थाना आया कि नहीं? थाना को मैं खबर नहीं किया हूँ, हाँ थाना को अभी तक खबर नहीं किया हूँ, थाना को अगले पक्ष खबर किए हैं लेकिन थाने वाले अभी तक शायद नहीं आए हैं। अगला का क्या नाम है? अगला का नाम है यहाँ पर कुआं था ही नहीं कभी, 50 साल पहले ही भर गया, ऐसा कहीं पहले से समाज सार्वजनिक चीजें भर गया, वो तो सरकारी संपत्ति, उस पर बोले निजी है, निजी है, मेरा बाबा दादा का है संपत्ति है, पेपर दिखाया है निजी, निजी संपत्ति है। मेरा नाम हुआ पवन कुमार शुक्ला, पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय श्री नारायण शुक्ला, मैं पचमुखी चौक वार्ड नंबर 11 के मोहल्लावासी हूँ। यहाँ पर मामला ये है कि पहले कुआं था, अब जो है सो बोला गया कि कुआं, हम पूछे कुआं काहे भर रहे हैं, तो बोला मंदिर बनाएंगे, लक्ष्मी जी हम लोग बैठाते थे, हम लोग सोले चलो भाई मंदिर के लिए जमीन मिल रहा है, तो लोग कुआं भर दिया, अब कह रहा है क्या दुकान बना रहे हैं, अब दुकान बनेगा मंदिर नहीं बनेगा, कुआं को भर दिया, इतना दिन से कुआं था, पानी पीता था, अब मूर्ति वहाँ पर ला के रखे थे, इतना मेहनत से चंदा करके सबसे पैसा लेके वो भी चोरी कर लिया, ये सब बताइए, ये सब गलत बात है, घर में रख लिया मूर्ति, घर में मंदिर बैठेगा? कौन लोग अतिक्रमण कर रहा है? जिस पीछे में जिसका मकान, पीछे वाला जो है मकान, क्या नाम है उनका? उसका पुलिस तिवारी नाम है, धरनी तिवारी नाम है, वो लंबू तिवारी के, लंबोदर तिवारी के कुछ कोई है। मेरा नाम राजा तिवारी हुआ, इससे पहले भी गणेश जी का मूर्ति इन लोगों ने बेच दिया, आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं मोहल्ला में, इन लोगों ने गणेश जी का हमारा मूर्ति बेच दिया और कहा कि यह मूर्ति नहीं था, जबकि गणेश जी का मूर्ति बहुत बड़ा था और ये बहुत छोटा है। NH-75 के समीप बसेला ककर घाटी में स्थानीय लोग की ओर से श्री राम महायज्ञ एवं श्रीमद भागवत कथा का आयोजन रविवार को हुआ।
कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? कार्यक्रम इस जग का श्री राम महायज्ञ का अध्यक्ष मैं रत्नेश कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य बाबा श्री दुखरन दास जी के सानिध्य में श्री राम महायज्ञ का आयोजन दिनांक 6/5/18 से लेकर 14/5/18 तक अनुष्ठान किया गया है। यह स्थान राम जानकी मंदिर काकर घाटी बसेला में अवस्थित है। यहाँ के कार्यक्रम के अनुसार बनारस के आचार्य के द्वारा वैदिक हवन का कार्यक्रम जो प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक किया जाएगा और संध्या प्रवचनकर्ता के रूप में कथावाचक के रूप में सरिता किशोरी जो वृंदावन से आकर यहाँ के समाज को कथा के द्वारा लाभान्वित करने के लिए आ रही हैं। जग का उद्देश्य ये होता है जो हमारे भारतवर्ष में जो हमारी सनातन धर्म है उससे मुझे सुरक्षा मिलता है। सनातन धर्म के अनुकूल हम लोग परमात्मा सृष्टि करके भेजा है, वह सनातन को लेकर के चल रहे हैं। मुझे यह विश्वास है जो ईश्वर जो है पग पग पर है वह मालिक, उसके बिना हम थोड़ा कदम भी नहीं चल सकते। जग से जल होता है, जल से अन्न होता है, अन्न से संसार को भरण पोषण होता है, विश्व का कल्याण होता है। कितने आदमी आए हैं आप लोग, कहाँ से आए? हम 3 मूर्ति हैं, विद्यापति धाम से, और जो हमारे कथावाचक हैं वह मिथुरा से, रासलीला जो हैं वह मिथुरा से, आचार्य लोग जो हैं वह बनारस। श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यकारिणी की बैठक डीलाई पंचायत के डीलाई गांव में डॉक्टर देव नारायण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु जिले के सभी प्रखंडों में अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर एसके राय, सत्तो यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मंच का स्थापना माननीय देव नारायण बाबू जी, शिव किशोर राय जी, उमेश यादव जी, महेंद्र यादव जी और कुछ लोग जिनका नाम छूट गया हो माफ़ कीजिएगा, सभी आदमी ने मिलकर कृष्ण चेतना मंच का स्थापना किया और उसको विंग को खड़ा किया गया। इसलिए खड़ा किया गया जो अंतिम पौधान तक लोग हैं, जो देहात में गरीब बुढ़वा हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, जो शिक्षित नहीं है उनको कैसे शिक्षित बनाया जाए, उनको कैसे हक दिलाया जाए, इसलिए कृष्ण चेतना मंच का स्थापना हुआ। आज यहाँ ये डिलाही के इस धरती पर जो आज मीटिंग हुआ है इसमें यही हम लोग तय किए हैं जो हर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और उस पर संगठन को हम लोग मजबूत बनाएंगे। जब तक संगठन से आदमी को नहीं जोड़ेंगे संगठन मजबूत नहीं होगा, इसीलिए हम सभी आदमी से इस डिलाही पंचायत में सहयोग मांगने के लिए आए हैं। जो आप लोग खाली कदम में कदम मिला के चलिए जो हम लोग को ताकत बढ़ेगा, हम लोग जिला स्तर पर इसको मजबूत करेंगे, जिला स्तर के बाद हम लोग प्रमंडलीय स्तर पर करेंगे, प्रमंडलीय स्तर पर के बाद हम लोग पूरे बिहार में कृष्ण चेतना मंच का स्थापना करेंगे और अलख जगाएंगे। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त। स्वामी विवेकानंद युवा मंच की ओर से रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान इन लोगों ने हराई पोखर की साफ सफाई की।
कि स्वामी विवेकानंद युवा मंच की तरफ से हर शनिवार हम लोग यहाँ पे आते हैं और हराही साफ करते हैं। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, यहाँ पे हम साफ करके जाते हैं और नेक्स्ट डे लोग आगे से गंदा करते हैं। तीसरे दिन पूछते हैं कि क्या साफ किया आप, उन्होंने एक जिद पकड़ के रखी है कि हम गंदा करेंगे और हमने जिद पकड़ के रखी है कि हम इसे साफ करके रखेंगे। अभी आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी हम यहाँ पे साफ कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट जा रहे थे, वो बोलते ड्रामा चल रहा है। अरे मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप इनकरेज नहीं कर सकते, आप डिस्करेज मत करो। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इलिटरेट है, हम लोग भी स्टूडेंट है, फिर भी टाइम निकाल के हम लोग वीकली, अगर डेली हमारे पास टाइम होता तो हम डेली करते, लेकिन हम भी स्टूडेंट है, हमें भी अपना स्टडी करियर बनाना है। इट डजंट मीन कि हम सोसाइटी को गंदा करके रखें। बस यही बोलना चाहूँगी, प्लीज डोंट डिस्करेज अस, और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारे अगेंस्ट में भी कुछ मत बोलिए। क्या नाम हुआ? अंजलि झा। मैं एक रविवार को इधर से गुजर रहा था और बच्चों को देखा कि काफ़ी लगन के साथ जो है साफ सुथरा कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा जागृत हुई कि देखें भाई सही में क्या हो रहा है, और आकर के लोग जिस लगन से मतलब इन लोगों को देखा हमने साफ सुथरा करते हुए, बहुत ही सराहनीय काम है, और इससे अच्छा काम समझ लीजिए कुछ नहीं हो सकता है कि जो जितनी गंदगी थी यहाँ, और मतलब सड़क पर चलने वाले लोग मतलब सही तरीके से चल भी नहीं सकते थे, नाक पर रुमाल में बांध करके चलते थे, लेकिन क्या देख करके अच्छा लगता है। और मैं हर रविवार को आता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे हैं सबका हौसला अफजाई करता हूँ, और क्या है कि ऐसा अगर हर जगह हर मोहल्ले में इस ढंग का हो जाए, हर वार्ड में ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए दरभंगा स्वच्छ हो जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम पंसारी है। स्वामी विवेकानंद युवा मंच द्वारा राइज अभियान, सफाई अभियान का काम चालू हुआ था। आज हमारा चौथा हफ्ते हो गए हम लोगों को सफाई अभियान पूरा करते हैं, और आज ऐसी सफाई, अब हमें शायद नहीं लगता कि हमें आगे भी सफाई की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ नगर निगम या हमारे वार्ड पार्षद हफ्ते में दो दिन सिर्फ यहाँ की सफाई का जिम्मा ले, जैसा हमने करके दिया उन्हें वैसा ही हमें मिले, हमें आगे और भी काम करना है। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ हराई के ऊपर यहाँ के पार्षद, यहाँ के नगर निगम, यहाँ के ऊपर अधिकारीगण सभी लोग ध्यान दें कि सफाई को जैसे हम लोग ने करके दिया है साफ सुथरा, वैसे ही सफाई बरकरार रखे। क्या नाम हुआ? निशांत जैन। नटराज आर्ट्स एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 10वीं वार्षिक उत्सव के मौके पर रविवार को कर्पूरी ललित भवन को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्पूरी ललित भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कितने लड़के कुछ शामिल है इसमें? कम से कम 30, 15 या 20 या 30 होगा। क्या क्या बनाई हो? हम लोग तो मखाना का खीर बनाए हैं फेमस, और सब लड़कियाँ बनाई है इडली डोसा हलवा सांभर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ? आदित्य कुमारी। हाँ घर मंगलागढ़ दरभंगा प्लस टू देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय। कुकिंग कॉम्पिटिशन कहाँ आई हो? नटराज शामिल इसमें है। मेरे स्कूल से तो 8 आई है लेकिन बाकी का 150 सुन रहे हैं। क्या क्या बनाई हो? हम बनाए हैं आलू बैंगन और अदौरी का सब्जी बस। क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। हाँ घर है? रानीपुर दरभंगा। कौन स्कूल से हो? राजेंद्र गर्ल्स हाई स्कूल। सभी का आप सभी को प्रणाम। मैं मोहित खंडेवाल, आज आप सभी के आशीर्वाद और प्रेम से ये सपना मेरा पूरा होते जा रहा है। आप ईश्वर से ये कृपा करके आप लोग की दुआ से कि ये कार्यक्रम पूरा सक्सेस हो जाए। हमारी 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो कार्यक्रम जिस संस्कार कार्यक्रम और पुष्पांजलि पता ही नहीं चला कि कैसे ये हो गया, और लगातार हमारे यहाँ बच्चों की भीड़ 5 बजे से कंटिन्यू है, और हमने 7 बजे से 8 बजे का कार्यक्रम किया उसमें हमारे बहुत सारे गेस्ट उपस्थिति हुए, और साथ ही साथ 8 बजे से लेकर के 10 बजे हमने मुझे लगा कि ये जुलूस कैसे होगा, पहली बार होने जा रहा है एक रोड पे अपनी कला की क्षेत्र अपनी कला को लेते हुए प्रस्तुति। पर जिस समय मैंने मार्केट में शुरुआत किया उस समय से लेकर के पूरे मूविंग रास्ते तक जो भीड़ रही वो रस रही वो भाव रही, और एक एक आदमी अपने अपने घर से निकल के फोटोग्राफी वीडियो लेने के लिए मजबूर हो गया, ये देख के और भी खुशी हुई। साथ ही साथ बच्चों के धर्म सभा का कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन किया था जिसमें सुशील कुमार सिंह वो खुद आए थे और उन्होंने सारे बच्चों से बात किया, बच्चों ने ये चीज़ सुन के और अपने मन की बात को उन्होंने अपने सामने रखा उनके, और हर एक चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि कल होकर मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, उन्होंने अपने ये भाव को रखा। और उसके बाद मैथिली कार्यक्रम चल रही जो आप लोगों के सामने अभी तक चल रही है, और इसी में हमारे नृत्यहीन बच्चे उन्होंने ऐसी प्रस्तुति दी उनके आते ही मंच पे, और उन्होंने खड़ा होकर सारे के सारे उनके लिए खड़ा होकर ताली बजाया, और जब तक नाचते रहे सारे ऑडियंस सारे जज सारे उनके लिए खड़ा होकर के ताली कंटिन्यू बजाते रहे। उनकी प्रस्तुतियों के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी चली है, संगीत का कार्यक्रम हमारे यहाँ चला है, वेस्टर्न सॉन्ग हमारे यहाँ चला है, और हमारे यहाँ कुछ ही देर में बाल कलाकारों की शुरुआत होने वाली है। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय जीएनगंज नियर पंजाब नेशनल बैंक लहरिया सराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी नॉन एसी मैरिज हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।